कैसे हो गया? ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट है। ये मामूली सी चोट है, कितना खून बह रहा है। शिवाजी राजा के सैनिक की पत्नी हो और इतने डरपोक? डरी नहीं, घबरा गई। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारे पति ने शिवाजी राजे के लिए खून बहाया है। मुझे गर्व है कि हमें शिवाजी राजे और जीजा माता की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें बेटा ही दे जो स्वराज के काम आ सके। गोमा जी काका, इसी समय दरबार बुलाया जाए। क्यों आ गया मातोश्री? काका शिवबा को भी सूचित कर दीजिए। जी। ये क्या है? हाँ? वो दूध, दूध। दूध? हाँ, वो सहबाई साहब कह रही थी कि आप व्यायाम के बाद बादाम का दूध पीते हैं। हमने इसमें बहुत सारे बादाम खुद पीस कर डाले हैं। आप पी के देखिए ना। आप हंस रहे हैं? क्या नहीं पिएंगे? पिएंगे पिएंगे, लाइए दीजिए। क्या बात मां साहब, अचानक दरबार क्यों बुलाया आपने? शिवबा, कुछ समय पहले हम आपके सैनिक और उसकी पत्नी की बातें सुन रहे थे और हमारा मन गर्व से भर उठा। कितने कम समय में आपने इन लोगों के दिल में स्वराज की आग भर दी है।
हमारे उद्देश्य को ये लोग अपना कर्तव्य मानने लगे। अपने जागीरदार के प्रति इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास विरल ही किसी जागीरदार के भाग्य में होता है। हमें तो विजय आपके चरणों पर लोटती दिखाई दे रही है। परंतु बेटा, इन आंखों ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, खून की नदियां बहती देखी है, घर उजड़ते देखे हैं, युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मारे जाते, मां से उसका पुत्र, पत्नी से उसका पति, बहन से उसका भाई छीन लिया जाता है। क्या ये संभव नहीं कि हम बिना युद्ध किए, बिना खून बहाए देशमुख और पाटलों को मुक्त करा लें? कृष्णा जी से इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते? मातुश्री बिल्कुल ठीक कह रही है, परंतु मां साहिब, कृष्णा जी को हम कई अवसर दे चुके हैं, सारे प्रयास विफल हो गए। उन जैसे लोगों को शांति की भाषा समझ नहीं आती। उन्होंने हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, और युद्ध की तैयारी तो हमने आपसे आज्ञा लेकर ही शुरू की थी। हम जानते हैं शिवबा, हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। अभी सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए हमें और समय चाहिए, और फिर जब तक देशमुख और पाटिल कृष्णा जी के पास बंदी है, हम कृष्णा जी पर आक्रमण नहीं कर सकते। हमें उन्हें चर्चा का एक अवसर और देना चाहिए, शायद बात बन जाए। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं मां साहब, परंतु मियां रहीम ने उसे अपने रंग में इस तरह रंगा है कि इन बातों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो कभी नहीं मानेगा। हमारी टकराव ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से युद्ध ही केवल इस समस्या का एकमात्र समाधान है। परंतु शिवबा, कृष्णा जी है तो इसी धरती के, इसी मिट्टी के, उन्हें एक अंतिम अवसर दे दीजिए। आप हमारी एक छोटी सी विनती भी नहीं मानेंगे?
मां साहब आप हमें लज्जित ना करें। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। सोनोपन जी, कृष्णा जी बांदल के पास मां साहेब का संदेश लेकर जाएं। जो आज्ञा राज। श्री कृष्णा जी बांदल, सबसे प्रणाम। हमें पूरा विश्वास है कि आपसी मतभेद भुलाकर हमारे प्रस्ताव को आप अवश्य स्वीकार करेंगे। लाल महल को आपके आगमन पर गर्व की अनुभूति होगी। अब जीजाबाई साहेब ने आमंत्रण दिया है। क्या आप जाएंगे? हमें लाल महल में आमंत्रित किया है, इसलिए क्षमा कीजिए कृष्णा जी बांदेल, ऐसे निमंत्रण कूटनीतिक होते हैं। पूरी रणनीति तय करके शत्रु को आमंत्रित किया जाता है। खांडोजी देशमुख